आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन। हम लोगों ने पाचन खत्म कर दिया है, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्स क्रिएटरी सिस्टम। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? जैसे हम लोगों ने खाना खाया, ठीक है, खाया, खाना खाया, और खाना खाने के बाद उसका पाचन हुआ। ठीक है, अब पाचन होने के बाद, ठीक है, पाचन होने के बाद कुछ पदार्थ बने, क्या? जहरीले पदार्थ बने, यानी कि जहरीले पदार्थ पदार्थ बने। ठीक है, पॉइजनस। ठीक है, पाचन जब हुआ तो बहुत सारी अच्छी चीजें बन गई, लेकिन उसी में बहुत सारी जहरीली चीजें बन गई, यानी कि पॉइजनस थिंग बन गई, और उन्हीं को क्या है, शरीर से बाहर निकाला गया। शरीर से बाहर, ठीक है, तो शरीर से बाहर निकाला गया, तो इन्हीं जहरीले पदार्थों को, ठीक है, ये जहरीले पदार्थ कौन से होते हैं? जहरीले पदार्थ होते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। किससे? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पदार्थ। ठीक है, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन हमारे शरीर में जो है काफी जो है घातक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे शरीर में काफी घातक होता है, इसीलिए नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को ही क्या कहते हैं? विषैले पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि हमको जो है उससे विष चढ़ता है। तो जहरीले पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, यूरिक अम्ल हो गया, या यूरिया हो गया, या यूरिक अम्ल हो गया, अम्ल हो गया। ठीक है, तो ये हो गए कैसे पदार्थ? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है। कहाँ है? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। NH3 में क्या होता है? अमोनिया होता है। यूरिक अम्ल का क्या होता है? CO, NH2, CONH2। ठीक है, यानी कि ये एमाइड। ठीक है, ये अमोनिया होता है और यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है कि ये नाइट्रोजन सब में, देखिए नाइट्रोजन है सब में, क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, जब सब में नाइट्रोजन है, जब सब में नाइट्रोजन है, तब फिर क्या होता है कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, और इन्हीं को क्या किया जाता है? शरीर से बाहर निकाला जाता है। शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो इसी प्रक्रिया को, ठीक है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, यानी कि विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता। उत्सर्जन का मतलब क्या हो गया? जो जहरीले पदार्थ बनते पाचन क्रिया में, ठीक है, क्या क्या बनते हैं? ये सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नाइट्रोजन बनता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, यानी कि जिसमें अमोनिया हो, यूरिया हो, यूरिक अम्ल हो, तो जो है ये शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एस्कीटरी, यानी कि उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, उत्सर्जन, ठीक है, कहलाता है, यानी कि किसी भी तरीके से बाहर निकालना, किसी भी तरीके से बाहर निकालना, तो ये आपका उत्सर्जन कहलाता है। अब कौन कौन से अंग हमें भाग लेते हैं? ठीक है, ये तो हमारा तंत्र हो गया, और तंत्रों के अंतर्गत क्या आते हैं? अंग आते हैं। अंग तो कौन कौन से अंग इस तंत्र में भाग लेते हैं, यानी कि इस प्रोसेस को कौन कौन से कराते हैं? पहला भाग तो हो गया आपका, जैसे किडनी हो गया, क्या? किडनी हो गया। फिर क्या हो गया? त्वचा हो गया। त्वचा से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। त्वचा से पसीना निकलता है। किडनी हो गया, किडनी से यूरिया निकलती है, यूरिन। फिर उसके बाद क्या हो गया? त्वचा हो गया, फेफड़े हो गए। फेफड़े से क्या निकालते हैं? फेफड़े, फेफड़े से जो है वाष्प निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इतनी चीजें हो जो हो गई, त्वचा हो गया, फेफड़े हो गया, ठीक है, तो इतनी चीजें जो है आपके निकलती हैं। ठीक है, ये सब जो है अंग आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सारे अंग जो है पढ़ना है। ठीक है, ये सारे अंग आपको पढ़ना है। लीवर भी कुछ काम करता है, लीवर, लीवर भी कुछ काम करता है, तो इस आधार पे ये सब हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है इसी उत्सर्जन तंत्र के आधार पर ही जो है तीन प्राणी, तीन टाइप के प्राणी हो जाते हैं। एक तो होते हैं अमोनियोटैलिक,
अमोनियोटेलिक, ठीक है, अमोनियोटेलिक होते हैं, यानी कि अमोनियोटेलिक, ठीक है, अमोनियोटेलिक होते हैं, यानी कि जो अमोनिया को रिलीज़ करते हैं, अमोनिया बनती है उनके शरीर में, अमोनिया बनती है, अमोनिया बनती है और अमोनिया को रिलीज़ करते हैं, उनको अमोनियोटेलिक कहते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं यूरियोटेलिक, ठीक है, यूरियोटेलिक, टेलिक यानी कि जो है यूरिया बनती है, यूरिया टेलिक यानी कि जिनके शरीर में यूरिया बनती है वो यूरियोटेलिक हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है क्या होता है, अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक और अमोनियोटेलिक हो गए, यूरियोटेलिक हो गए, और तीसरा क्या था, यूरिक, यूरिकोटेलिक, यूरिक, यूरिक अम्ल बनता है, यूरिको टेलिक, टेलिक, ठीक है, ये चीज हो जाते हैं। तो यूरिक अम्ल निकालने वाले या उनके शरीर में बनता है, या यूरिया बनती है या अमोनिया बनती है। अमोनिया किसके शरीर में बनती है, अमोनिया किसके शरीर में बनती है, ये बनती है मत्स्य वर्ग के, मछली, मछली के जो है शरीर में अमोनिया बनती है, और ये पानी के साथ निकलती है। क्या ये बहुत जहरीली होती है, बहुत जहरीली, बहुत ही विषैली होती है, ठीक है, बहुत ही विषैली होती है अमोनिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा यानी कि जो है इसमें कंसंट्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, जैसे ही शरीर में बनती है उसे तुरंत रिलीज़ करना पड़ता है, ठीक है, तुरंत रिलीज़ करना पड़ता है। अगर तुरंत ना रिलीज़ कर पाए, जैसे इंसान हो गया, इंसानों के टॉयलेट लगाई तो 1-2 घंटा 2-4 घंटा बीत सकता नहीं, लेकिन इनका क्या रहता है कि इनको तुरंत रिलीज़ करना पड़ता है, तुरंत टॉयलेट करना पड़ता है, नहीं तो इनके शरीर में विष फैल जाए। तो इसीलिए जैसे मछलियाँ होती हैं तो उनकी जो है जैसे अमोनिया बनी तुरंत रिलीज़ करना पड़ता है, ठीक है, और अमोनिया वो गैस के फॉर्म में भी हो सकती है, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए मछलियों को पानी में रहना पड़ता है कि पानी के साथ तुरंत रिलीज़ करना पड़ता है उनको, ठीक है, इसीलिए मछलियाँ पानी में, बहुत ज़्यादा जहरीली होती है, विषैली होती है अमोनिया। एक हमको क्वेश्चन याद आ गया कि जो मूत्रालय होते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है, जो मूत्रालय होते हैं उसमें यूरिया, जो टॉयलेट होते हैं, ठीक है, टॉयलेट्स होते हैं सार्वजनिक, उनसे कौन सी गैस निकलती, अमोनिया गैस निकलती, कौन सी, अमोनिया गैस निकलती है। तो याद रखेंगे मछलियों के अंदर जो है अमोनियोटैलिक जो होते हैं वो मछलियों के अंतर्गत आते हैं, यूरियोटैलिक में मनुष्य आ जाता है, मनुष्य, मनुष्य यानी कि हम लोग, यूरिया यानी कि हम लोग क्या करते हैं, यूरिया यानी कि जो यूरिन, यूरिन, यूरिन का मतलब होता है मूत्र, ठीक है, यूरिन, यूरिन का मतलब होता है मूत्र, टॉयलेट, ठीक है। तो जब यूरिन करते हैं, ठीक है, टॉयलेट करते हैं तो उसमें यूरिया होती, यूरिया, ठीक है, यूरिया होती है जो खेतों में छिड़की जाती वही वाली यूरिया, तो यूरिया होती है, यूरिकोटेली मनुष्य करते हैं, या मेढक भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, मेढक, मेढक कुछ ज़्यादा इंसानों से दूर नहीं है, मेढक जैसे मछलियाँ तो बहुत दूर हैं, मेढक इंसानों से ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब क्या है, जितना जो है सब कुछ मनुष्य के अंदर है उतना ही मेढक के अंदर, तब भी बायो में क्या करते हैं, इंटरमीडिएट में, पहले तो यही करते थे, अब तो नहीं करते हैं, लेकिन पहले क्या करते थे, मेढक को फड़वाते थे इंटरमीडिएट में, उसका प्रैक्टिकल होता था, ठीक है, तो मेढक का प्रैक्टिकल होता था, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वही सब चीज़ें होती जो इंसान के अंदर होती, तो ये जो है इससे ज़्यादा जो है रिलेट खाता है। तो यूरिया जो है मेढक और मनुष्य, ठीक है, ये यूरिया हो गए, यानी कि ये जो है 2-3 घंटे तक का, ठीक है, ये जैसे है तुरंत रिलीज करना पड़ता है, ये उससे कम जहरीला होता है, यूरिया जो है उससे कम जहरीली होती है, तो ये 2-4-3 घंटे तक अपना जो है लेकर घूम सकते हैं, ठीक है, ये 2-4-6 घंटे अपने साथ लेकर घूम सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ पे स्थान मिले वहीं पे विसर्जन करें, ठीक है, तो ये घूम सकते हैं। फिर है यूरिकोटेलिक है, यानी कि यूरिक एसिड इनसे होता है, यूरिक एसिड, ठीक है, ये एसिड होता है इनसे, यूरिक एसिड, ये क्या होते हैं, बहुत ही कम जहरीले होते हैं, 1-1 हफ्ते तक का नहीं करते हैं, कौन होते हैं, ये सरीसर्प वर्ग होते हैं, सरीसर्प वर्ग होते हैं और पक्षी वर्ग होते हैं। अब पक्षी हो गए, मान लो पक्षी हैं, उड़ रहे हैं, पता नहीं पानी मिले ना मिले, ठीक है, इसलिए उनको पानी पीने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, वो हफ्ते भर तक का, 3-4 दिन तक का जो है ऐसे लेके घूम सकते हैं। या सांप वगैरह जैसे रेगिस्तान हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे रोज़ रोज़ कहाँ पानी मिल रहा है, नहीं पानी मिलता है, तो अपना आराम से बिना पानी के भी जीवन व्यतीत कर सकते, एक से एक
बड़े बड़े ऐसे ऐसे सरीसृप वर्ग के हो गए, जैसे छिपकली वगैरह हो गए, आपके घर में भी छिपकली होगी, देखा कभी पानी पीते हुए? नहीं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो यूरिया रिलीज करती है, यूरिक एसिड, बड़ी देर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये एसिड लग गया, एसिड क्या होता है, सांप के उसमें जहर में क्या होता है, एसिड रहता है। ठीक है, सांप के जहर में एसिड रहता है, यूरिन में यूरिया रहती है, इस तरीके से हमको क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वही लिखते हैं और वही आपको याद भी करा देते हैं। ठीक है, वही आपको याद भी करा देते हैं। ठीक है ना, इसके बाद है एक कोशिकीय जीव द्वारा। ठीक है, एक कोशिकीय, जिनके एक कोशिकीय जीव होता है वो कैसे उत्सर्जन करते हैं, इनका उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, कैसे वो उत्सर्जन करते हैं, जो एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिका कौन होते हैं, जिनकी केवल एक कोशिका होती है, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यानी कि जो है ऐसा जीव जो पहले आया था, सबसे पहले आया था, सबसे पहले कौन आता, प्रोटोजोआ, प्रोटो इसी का नाम इसी लेके आप, प्रोटो का मतलब होता है सबसे पहले, तो सबसे पहले आने वाले जीव को प्रोटोजोआ कहा जाता है। उसके क्या थी, एक कोशिका थी, मात्र एक कोशिका, यानी कि केवल एक कोशिका थी। हम लोग के शरीर में तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, उसके शरीर में एक कोशिका थी, वही एक कोशिका थे, वो सब कुछ करता था, क्या खाना खाता था, पीता था, जो है उत्सर्जन भी करता था, पाचन भी उसी में कर लेता था, और सब कुछ प्रजनन भी उसी से कर लेता था, मतलब एक ही कोशिका में उसका सारा काम हो जाता था। तो वो कह रहा उत्सर्जन कैसे करता था, मतलब टॉयलेट कैसे जाता था, तो टॉयलेट कैसे जाता था, डिफ्यूजन करके, यानी कि विसरण, विसरण करके जाता था, विसरण। ठीक है, विसरण करके, विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है जैसे एक कोशिका है और उसके जो है जो भी उसका उत्सर्जन है ऐसे उड़ जाना। ठीक है, डिफ्यूज हो जाना, डिफ्यूज का मतलब होता है या तो घुल जाना या तो उड़ जाना। तो उसमें का जो पानी होता था या जो भी होता था, ठीक है, जो भी जो है यूरिन वगैरह होती थी टॉयलेट, वो ऐसे शरीर से, यानी कि एक कोशिका होती थी, एक कोशिका, जैसे मान लो ये एक कोशिका हमने बना दिया, ठीक है, प्रोटोजोआ बना दिया, ये प्रोटोजोआ हो गया, तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा पदार्थ बनते थे वो क्या ऐसे ही कहीं से भी त्वचा से क्या होते थे, बाहर डिफ्यूज हो जाते थे, तो डिफ्यूज हो जाते थे तो उसे ही विसरण कहा जाता था। ठीक है, तो एक कोशिका जीवों में विसरण होता था, जो सबसे पहले आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। फिर अगला है कशेरुकी, कशेरुकी विकसित वृक, सित वृक। ठीक है, तो ये हो जाती है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब हल करेंगे तो उसमें आपको कई क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। देखिए, प्रोटोजोआ तो आपको समझ में आ गया कि एक जीव थे विसरण द्वारा, ठीक है, विसरण द्वारा, विसरण द्वारा जो है इनका हो जाता था, यानी कि एक जीव था, भूल जाइए, विस्मृत का मतलब क्या होता, भूल जाना, एक जीव है, एक छोटी सी सेल है, उसको भूल जाइए। ठीक है, आगे देखिए, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा वर्ग होता है, सिलेंट्रेटा क्या होता है, वर्ग होता है। सिलेंट्रेटा वर्ग के अंदर कौन आते हैं, मूंगा आता है, मूंगा आता है, मूंगा कौन होता है, जिसकी जो है क्या कहते हैं, मूंगा एक पत्थर होता है कैल्शियम का, कैल्शियम कार्बोनेट का, वो जो पुंगली में पहना जाता है। ठीक है, तो मूंगा होता है, लाल लाल सा होता है, वो कहाँ मिलता है, वो आपके सागरों में मिलता है, मूंगारी। ठीक है, तो मूंगा एक वो होता है, ठीक है, जीव जो कि सागरों में होता है, वो सिलेंट्रेटा वर्ग में आता है। वो किससे जो उत्सर्जन करता है, सीधा सेल, कोशिका, कोशिका का मतलब सीधा सेल से कर देता है, कैसे याद रखेंगे। ठीक है, सिलेंट्रेटा वर्ग है, सिलेंट्रेटा वर्ग में मूंगा आता है, सीधा सेल द्वारा कर देता है, कैसे याद रखेंगे। देखिए, मूंगा, मूंगा जैसे मूंगा मुंह, जैसे कोई लड़का ज्यादा बोल रहा हो, ज्यादा बोल रहा हो, तो उसको क्या करें, मुंह, मुंह को क्या कर दे, सिल दो। ठीक है, मुंह को सिल दो, तो मुंह को सिल दे, मुंह जो है ज्यादा गा रहा हो, जैसे कोई लड़का ज्यादा गा रहा हो, मूंगा ज्यादा गा रहा हो, तो क्या कर दे, उसका मुंह सिल दे, सिल दे। तो मूंगा जो है सिलेंट्रेटा, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूंगा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो सिलेंट्रेटा, तो मुंह गा रहा है, सिल दो, ऐसे आपको याद रहेगा। फिर उसके बाद जो है सिल से ही सेल याद रखिएगा, सिल से ही सेल याद रखिएगा, सिलेंट्रेटा वर्ग में सेल हो जाता है, बिल्कुल याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, बाकी जो है इतना सरल हो जाएगा, यही सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, रटना कुछ नहीं है, बस एक बार समझा दे रहे हैं, हमेशा के लिए 2-3 दिन पलट के देख लीजिए, याद रहेगा।
तो मूंगा जो है मुंह सिल दीजिए, तो सिल से हो गया सेलेंट्रेटा और सेल हो गई, ठीक है। दो तीन दिन इसका नाम ले लीजिए, सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा, सिलेंडर जैसा लग रहा है, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। फिर है केचुआ, केचुआ मालूम है ना, केचुआ देखे होंगे बरसात में, केचुआ कैसा कैसा होता है, लंबा लंबा होता है, और क्या लंबा लंबा होता है, लीड, जो आपके कान में लगाने वाली मोबाइल की लीड नहीं होती, वो भी तो लंबी लंबी होती है, तो केचुआ किसके अंदर आता है, लीड के अंतर्गत, यानी कि एनालीडा, लीड के अंदर। ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, लड़कों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा है नहीं, इसीलिए ट्रिक है क्या, केचुआ भी लंबा लंबा लीड जैसा होता है और ये भी लीड जैसी होती है, ठीक है। जैसा केचुआ होता है वैसे तालाब में एक और होती जो खून पीती, क्या, जोंक, ये जोंक भी होती है, ठीक है, जोंक। तो केचुआ जो एनेलिडा ग्रुप के अंदर आते हैं, ये आपसे पूछा गया एग्जाम में कई बार। ये कैसे करते हैं, ये जो है नेफ्रेडिया से करते हैं, यानी कि व्रक, नेफ्रेडिया, व्रक में क्या, व्रक का मतलब किडनी होता है, और किडनी में होते छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। तो इनके में, हम लोग के किडनी में बहुत सारे लाखों नेफ्रॉन हैं, इनकी किडनी जो होती है व्रक होती है अविकसित होती, यानी कि एक या दो नेफ्रॉन होते हैं, तो नेफ्रेडिया जिसे कहते हैं, नेफ्रेडिया, ठीक है, नेफ्रेडिया या अविकसित व्रक, अविकसित व्रत या नेफ्रेडिया किसका, केचुए का होता है, ठीक है। तो केचुआ जानिए कि इंसान का क्या, किसान का मित्र कहा जाता है, तो जब किसान का मित्र हो गया, ये भी एक तरीके से इंसान ही हो गया, तो जैसे इंसानों का व्रक होता है, इसका भी व्रक हो जाएगा क्योंकि ये किसान का मित्र होता है, हम इनका व्रक है तो इनका मित्र का भी है, लेकिन ये है थोड़ा सा जीव बन गया इसलिए अविकसित रह गया, ठीक है, वरना किसान का मित्र है। तो नेफ्राइडिया, नेफ्रॉन से नेफ्राइडिया याद रखेंगे। फिर है ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा कहीं पे आ जाए, ऑर्थोपोडा याद रखिएगा, उसका ये रहता है, ये क्या बना दिए, ये है कि ये गर्दन होती है, बीच में पैर होता है, और फिर उसके बाद जो है उसका गर्दन होती है यानी कि सर होता है, फिर बीच में जो है क्या कहते हैं ये पेट होता है, और फिर पीछे जो है कुछ होता है उनके, जैसे चीटा चीटी आपने देखे होंगे, ठीक है, चीटा चीटी देखे होंगे, इनके छः जोड़ी पैर, तीन जोड़ी पैर होते हैं, छः होते हैं, ठीक है, जैसे कॉकरोच हो गया, जैसे चीटा हो गया, चीटी हो गया, कॉकरोच हो गया, तिलचट्टा हो गया, बहुत सारे प्राणी हो गए, ठीक है। तो ये जो हो गया कॉकरोच, कॉकरोच हो गया, बिच्छी भी हो गई, बिच्छू हो गया इसी से, ठीक है। तो कॉकरोच जो हो गया ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में बस यही चीज़ याद रखिएगा, तीन, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में ये। तो कॉकरोच क्या होता है, कॉकरोच कहाँ रहता है, नालियों में रहता है, देखे होंगे घर की नालियों में, जो नालियाँ नहीं होती घर की, उसमें रहता है, बहुत तगड़ा भागता है, इसके इसमें हृदय में 13 कच्छ होते हैं, इसके हृदय में 13 कच्छ होते हैं, यानी कि काट दो तब भी वो जिंदा रहता है, ठीक है। तो कॉकरोच कहाँ रहता है, नालियों में होता है, तो इनका कहाँ से होता है, नालियों से, उत्सर्जन कहाँ से होता है, नालियों से होता है, नलिकाओं से होता है, नालियों से हो गया कॉकरोच। सीप, सीप तो देखे होंगे, सीप के अंदर क्या होता है, मोती, सीप के अंदर क्या होता है, मोती, तो सीप के अंदर मोती होता है, तो सीप से याद रखेंगे मोती, मोती क्या है, मोलस्का, माँ से मोती, माँ से मोलस्का, याद रहेगा ना, माँ से मोती, माँ से मोलस्का, या मोती बहुत ही मूल्यवान होता है, मूल्यवान, तो मूल से ही क्या रखेंगे, मोल, मूल्य से मूल्य याद रखेंगे, तो मूल्य से मोल याद रखिएगा, मोल से हो गया मूत्र, सब सेम सेम तो लग रहा है, देखिए मूल्य, मूत्र, मोती, मोलस्का, सब कुछ तो माँ से है, तो मूत्र अंग द्वारा होता है, यानी कि इनका कोई मूत्र अंग द्वारा होता है तो उसके द्वारा करते हैं। बाकी कशेरुकी, कशेरुकी का मतलब हो गया जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कशेरुकी हो जाते हैं, कशेरुकी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी वाले, तो रीढ़ की हड्डी वाले कशेरुकी हो जाते हैं, तो वो जैसे मानव हो गया, तो मानव के अंदर क्या होता है, विकसित व्रक होता है, क्या होता है, विकसित व्रक होता है, ठीक है, विकसित व्रक हो जाता है। तो इतनी चीज हो गई, फिर उसके बाद जो है त्वचा के द्वारा, तो जानते होंगे त्वचा के द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा कैसे होता है, पसीने के द्वारा होता है, ठीक है, पसीने के द्वारा होता है। एक लीवर, इसका याद रखिएगा, लीवर क्या करता है, अमोनिया को, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, मनुष्य में लीवर किसको होता है, मनुष्य में, मनुष्य में यकृत या लीवर होता है, क्या काम करता है, मनुष्य जब खाता है, पाचन करता है, तो उसमें यूरिया, अमोनिया बनती है, NH3 अमोनिया बनती है, और अमोनिया को लीवर ही क्या करता है, यूरिया में बदलता है, यूरिया, अगर लीवर काट के फेंक दिया जाए तो मनुष्य नहीं जी पाएगा, ठीक है, तो अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है इसीलिए यूरिया में बदलना पड़ जाता है, ठीक है, यूरिया को, अमोनिया को यूरिया में बदलना पड़ जाता है, लीवर बदलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हो गया फेफड़ा,
फेफड़ा का काम करता है, फेफड़ा करता है एक तो CO2 और O2 का परिवहन करता है, ठीक है, क्या करता है CO2 O2 का परिवहन करता है, यानी कि O2 को CO2 में, CO2 को O2 में बदलता है। दूसरा काम करता है जलवाष्प, जलवाष्प यानी कि जलवाष्प को क्या करता है सांस के द्वारा बाहर निकालता है, और उसी जलवाष्प में क्या होते हैं लहसुन, लहसुन प्याज, प्याज और मसाले, मसाले, ठीक है, लहसुन प्याज मसाले का भी जो है होता है किसके द्वारा फेफड़े के द्वारा, फेफड़े के द्वारा जो है इसका भी उत्सर्जन होता है। पूछा गया मसाले का, लहसुन प्याज मसाले का किसके द्वारा होता है, फेफड़े के द्वारा। इतना है, अब केवल बचा आपका किडनी, किडनी हम लोग अगले वीडियो में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, जिसको कभी नहीं समझ में आया होगा उसको भी समझ में आएगा, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।